वेलकम टू हेवली डेजर्ट्स। मैं ललिता हूँ। आज हम तीन तरह की चटनी बना रहे हैं, जो कि हम कोई भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो होता है, इडली डोसा वड़ा या कोई भी ब्रेकफास्ट जो साउथ इंडियन है उसके साथ में ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहले हम बनाएंगे अल्लम चटनी, जिसको हम अदरक की चटनी बोलते हैं, जो स्वीट होती है थोड़ी सी। और उसके बाद में हम बनाएंगे नारियल की चटनी, और उसके बाद में हम बनाएंगे फली की चटनी। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। अब हम आलम चटनी बना रहे हैं, इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। 8 से 10 साबुत लाल मिर्ची ली है, डंठल और इसके बीज निकाल दिए है, और इतनी सी इमली ली है, आधा नींबू जितनी। 1 टेबल स्पून चना दाल लिया है, 2 टेबल स्पून तुअर दाल लिया है, 2 टेबल स्पून गुड़ है, 1/2 TSP जीरा, 1/2 TSP नमक और अदरक है इतनी सी साफ की हुई। चलिए इसे बनाते हैं। चलिए हम गैस ऑन करते हैं। अब इसमें चना दाल और तुअर दाल डालकर स्लो गैस पे 2 मिनट के लिए सेकेंगे। जब तक इसका कलर चेंज हो, जब तक हमें सेकना है, एकदम स्लो पे सेकना है। दालों का कलर हमारा लाइट चेंज हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। हमारी दालें सिक गई हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इस अदरक को डालेंगे और थोड़ा सा लाइट सेकेंगे, लाइट इसका मॉइस्चर निकले जितना, ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। आप अगर अदरक नहीं खाते हो तो 1 चम्मच सौंठ पाउडर भी डालकर बना सकते हो। हो गया, अब निकाल लेते हैं। ये चना दाल, तुअर दाल और जीरा जो सेका हुआ था वो है, और ये अदरक है। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्ची, डंठल और बीज निकाली हुई ये डालेंगे। इसमें इमली डालेंगे, गुड़ और नमक। अब हम इसमें पानी डालेंगे, और 15 से 20 मिनट तक इसको भिगो के रखेंगे। होने के बाद में हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। अल्लम चटनी के लिए जो हमने लाल मिर्ची, अदरक और चना दाल, तुअर दाल जो हमने भिगोई थी वो भीग गई है, अब हम इसे पीस लेते हैं। इसको बारीक पेस्ट बनाना है, बारीक पीसना है। अब हम नारियल चटनी बनाते हैं। इसके लिए हमें 1 कप नारियल लिया है, नारियल खीसा हुआ लिया है। इसमें 1/4 कप फुटाना दाल ली है, 1 TSP नमक लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची ली है। इन सबको मिक्स करके हमें पीसना है। अपने पास मिक्सी हो तो मिक्सी में पीसना, और ग्राइंडर हो ग्राइंडर में, चटनी और अच्छी बनेगी। अब हम फली चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप हमने फली ली है, इसको हमने सेक कर इसका छिलका निकाल लिया है। 1 टेबल स्पून हमने फुटाना दाल लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको मिलाकर हमें पीसना है। चलिए इसे पीसते हैं। चलिए अब हम चटनी पीस लेते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर ऑन करते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। हरी मिर्ची और नमक, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बनकर रेडी है। चलिए हम इसका तड़का करते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए राई, जीरा, उलद दाल, साबुत लाल मिर्ची, करी पत्ता,
थोड़ी सी हींग और 1 टीस्पून तेल। चलिए इसका तड़का करते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें राई, जीरा, उलद दाल और थोड़ी सी हींग डालेंगे। थोड़ा सा उलद दाल का कलर चेंज होने पर साबुत लाल मिर्ची, करी पत्ता डालकर गैस बंद कर देंगे। चलिए हम इसमें तड़का डाल देते हैं। ये हमारी पल्ली चटनी। हमारी तीनों चटनियां बनकर रेडी है। ये हमारी नारियल की चटनी है, ये हमारी अदरक की चटनी है और ये हमारी बंडी स्टाइल मूंगफली की चटनी है। हमारी तीनों चटनियां बनकर रेडी है। अगर आपको ये चटनी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन दीजिएगा।